जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर युग परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है, लेकिन उस युग परिवर्तन की जो नींव रखी गई है उस नींव का नाम है महाविनाश। यानी महाविनाश से ही महापरिवर्तन की ओर इंसान को जाना है। और इसी महाविनाश की कड़ी में जो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो लोग हैं जो कि युद्ध को और जटिल बनाते जा रहे हैं। आए दिन इतना विषैला धुआं, इंसान जब उस विषैले धुएं को अपनी सांस के ज़रिए अपने अंदर ले रहा है तो वो तो ऐसे ही बीमारी के नज़दीक और विनाश के करीब जा रहा है। भीषण रक्तपात, युद्ध का मैदान, एक ऐसा मैदान जहाँ केवल और केवल खून की नदियाँ ही बहती हैं। लेकिन आज का इंसान इतना कठोर दिल कि उस खून की नदी को देखकर, भीषण रक्तपात को देखकर, लोगों की चीख पुकार सुनकर भी, गोलियों की भयंकर आवाज़ से भी, विषैले धुएं को अपने सामने देखकर और उस विषैले धुएं में सांस लेकर भी आज का इंसान टस से मस नहीं हो रहा है। यानी तटस्थ है वो अपनी जगह पर, जो उसे करना है वो उसका भूत उस पर इस प्रकार चढ़ गया है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने को दिखलाने के लिए कि वही सुपर पावर है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। भीषण रक्तपात और ऐसी गर्मी कि इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम करने के लिए भी अब बच नहीं पा रहा है। हर बढ़ते तापमान के साथ इंसान मौत के करीब चलता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे नहीं आ रही है अक्ल। भगवान कल्कि का मिशन इस धरती पर अपनी स्पीड से लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब नो करप्शन, ओनली भगवान कल्कि का एक्शन। यानी जिसने कहीं पर भी कोई भी बुराई की है, कोई भी अपराध किया है, उस अपराध को अब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि अपराधी अब तक तो बचते चले आए हैं, लेकिन ये जो डिकेड है, ये डिकेड स्पेशली डिकेड ऑफ डिज़ास्टर माना जाएगा, क्योंकि आने वाले समय को लेकर ऑलरेडी सब कुछ तैयार हो चुका है, जिसमें भारी जनहानि के संकेत हैं। प्लैनेटरी बैटल के द्वारा उस संकेत को ऑलरेडी डीकोड किया जा रहा है, लेकिन इंसान एक लेवल तक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है, लेकिन उसके आगे ब्रह्मांड ने क्या लिखा है, किसके नसीब में किस जगह कौन सी घटना होगी, ये तो केवल श्री हरि, जो एक नए रूप में कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में आए हैं, उन्हें ही पता है, या फिर महाकाल को पता है, या फिर वो देवी देवतागण या ऋषि मुनि जो कि दिव्य स्वरूप आत्मा है और भगवान कल्कि के संग जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भगवान कल्कि एक मानव अवतार हैं हम सभी की तरह, वो भी इसी पृथ्वी पर रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो विचलित नहीं होते होंगे इतना खून खराबा देखकर, या इस प्रकार के माहौल में जब वो रह रहे हैं, क्या उन्हें ज़रा भी अंदर हलचल महसूस नहीं होती होगी, जैसा कि आज आम इंसान बिल्कुल भी न बाहर से वो बैलेंस्ड है ना ही अंदर से, यानी टोटली वो इम्बैलेंस्ड हो गई है उसकी लाइफ। लेकिन भगवान कल्कि इसलिए विचलित नहीं हो रहे हैं इस भीषण रक्तपात को देखकर, या फिर जल के कारण जो तबाही आई है, चाहे वो सिक्किम हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जहाँ पर लोग आज बिल्कुल फंस कर रह गए हैं, न लोगों के पास पानी है न बिजली है, लेकिन इन सब के बीच आज इंसान फिर भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज भी उसे इतने खतरनाक माहौल में छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना है, और जब मुसीबत आ गई तब भगवान को पुकारना है।
तो अब जैसे कर्म वैसी सज़ा आज का इंसान भुगत रहा है और उसी कर्मों के चलते आने वाले समय में ना उसके पास इंटरनेट उपलब्ध होगा, ना उसके पास घर में बिजली होगी, ना उसके पास पीने के लिए पानी होगा, क्योंकि बढ़ता तापमान, सूखती नदियाँ इसी ओर इशारा कर रही हैं। कहीं पर तो इतना पानी कि इंसान उसमें बहता चला जाए, गाड़ियाँ भी बह रही हैं और गाड़ियों के अंदर बैठे हुए इंसान सिक्किम में जो गाड़ियाँ बहती हुई दिख रही हैं चीख रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रही है उस बहते हुए पानी में। ड्राइविंग सीट पे इंसान बैठा हुआ है लेकिन वो गाड़ी विपरीत दिशा में बहती चली जा रही है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण हो भी इंसान के हाथ में तो कहाँ से, क्योंकि अब भगवान कल्कि ने कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रख ली है और जो कुछ दिया प्रकृति को इंसानों ने, आज वही सूद समेत उसे वापस मिल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भगवान कल्कि जब धरा पर हैं तो क्यों नज़र नहीं आते? उनकी गुप्त लीला अदृश्य रूप में चल रही है, वो किसी न किसी रूप में हमारे ही बीच मौजूद, क्योंकि उनके पास है ऐसी कला जिसके कारण वो अपने रूप को बदलने में है माहिर। कभी वो मेल बन सकते हैं, कभी वो फीमेल बन सकते हैं, कभी वो बिल्कुल छद्म वेश में किसी भी रूप में धारण करके वो पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं और कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें जानने के लिए जो विज़न होना चाहिए इंसान के पास, वो विज़न है नहीं आज के समय में। क्योंकि कलयुग में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा अब जिसने कि उस विज़न को, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया हो, जिसके द्वारा प्रभु के दर्शन प्राप्त हों। प्रभु के दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, या प्रभु चाहते हैं जिस इंसान को अपने रूप को दिखलाना, लेकिन वो किसी न किसी रूप में भक्तों के पास उनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि प्योर सोल्स की रक्षा भी उन्हें करनी है, तो उनकी रक्षा के लिए उनके आसपास होंगे मौजूद, उनकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन इंसान जान भी नहीं पाएगा कि जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के बीच, भूकंप के बीच, सुनामी के बीच, जब जंगलों में आग लगी उसके बीच जिस इंसान ने उसकी मदद की, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कल्कि थे। जब तक वो समझ पाएगा कि कुछ अलग जो कि उसके साथ घटना घटी, कुछ चमत्कार, लेकिन वो चमत्कार किसके द्वारा घटी, जब तक वो समझेगा तब तक भगवान कल्कि हो जाएंगे वहाँ से डिसअपियर और पहुँच जाएंगे अपने अगले भक्त के जीवन में आए हुए संकट को टालने के लिए और उस संकट से उस भक्त को बचाने के लिए। तो भगवान कल्कि इसी धरा पर हम सबके बीच मौजूद हैं, किसी अलग रूप में, लेकिन वो किस रूप में मौजूद हैं नहीं जान पाएगा इंसान अंतिम क्षण तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।